स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × 2, इसका मतलब होता है 4 का टेबल। 2 बार पढ़िए या 2 का टेबल, 4 बार पढ़िए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ देखिए 3 का टेबल, इंटू मीन्स टेबल, 2 बार, 4 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 का टेबल, 3 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 5 का टेबल, 2 बार, 5 2 जा 10। 4 का टेबल 10 बार, या फिर 10 का टेबल 4 बार, तो 4 1 जा 4, तो 4 10 जा होता है 40। यहाँ 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 9 जा 36। तो इस तरह से आपको करना है, 3 0 जा 0, 2 5 जा 10, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2। इस तरह से आपको पढ़ना है, टेबल पढ़ना है पूरा। अगर नहीं भी आता तो आप पूरा पढ़ के जाइए तो आपकी टेबल कंप्लीट अच्छी हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से पढ़ के आपको 7 तक पढ़ना है और 28 आंसर आएगा, ठीक है। 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह से पढ़ के 8 तक पढ़ना है। 5 का टेबल 8 तक पढ़ना है तो 40 आएगा, और 8 का टेबल 5 बार भी पढ़ोगे तो भी 40 आएगा।